हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्कूल का मुन्नत करवाने पर सीएम व सांसद डागे का जताया आभार। कांग्रेस जनों ने मिठाई का किया वितरण। आबू रोड सिरोही आबू रोड विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने पर कांग्रेस कार्यालय पर नगर जश्न मनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपी सिंह, सेवादल अध्यक्ष सुरेंद्र छावरा की अगुवाई में मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद नीरज डांगी व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का आभार जताया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी के अनुसार आबू रोड की तरतोली, आगरा भट्टा, गांधी नगर, मही खेड़ा, धामसरा, दोएतरा, पाबा के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। कांग्रेस जन प्रतिनिधियों व अध्यक्ष जोशी ने सांसद डांगी का विशेष आभार जताया। साथ ही कहा कि सांसद डांगी ने इस विद्यालय के लिए कई बार मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर क्रमोन्नत करने की मांग की थी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, इन्होंने ये कहा, ऐतिहासिक बजट राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है और अनगिनत फैसले जनहित के इस बजट के अंदर शामिल किए गए हैं। जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विकास के मुद्दे समायोजित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिखा दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान की जनता के लिए कितने संवेदनशील हैं। इसी कड़ी के अंदर रेवदर विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो बहुत लंबे समय से मांगे क्षेत्र की रही है, वो क्षेत्र की मांगों को पूर्ण करने का कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस बजट में किया है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में पूरे राजस्थान में स्कूलों को क्रमोन्नत करने का जो सिलसिला उन्होंने इस बजट में दिया है, उसी के तहत आबू रोड में तरतोली, आगरा भट्टा, गांधीनगर, महीखेड़ा, धामसरा, दोईतरा, पाबा आदि स्कूलों को क्रमोन्नत करने का कार्य भी सरकार ने किया है। रेवदर में अनादरा, करजिया, मालीपुरा, मेथीपुरा, पेरुआ, रामपुरा, थल आदि स्कूलों को क्रमोन्नत करके मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता के साथ साथ रेवदर की जनता के, रेवदर के बच्चों के भविष्य को भी निर्धारित करने का कार्य इस बजट के माध्यम से किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साहब का, जिन्होंने रेवदर को ध्यान में रखते हुए रेवदर के विकास में पूरा योगदान दिया है। ये आज की बात नहीं है, लंबे समय से मांगे रही हैं और मैं हमेशा ये एक बात कहता आया हूं कि क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य निर्धारण के लिए आवश्यक है कि वहां के क्षेत्र के विकास के अंदर जनप्रतिनिधि अपना योगदान देवे। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।